So first of all, thank you so much. We just hit 100k subscribers, but ये overnight नहीं हो गया. So let's talk about my journey. इस channel पे मैंने 400 plus videos upload कर दिए हैं. And I still remember the first video that I've uploaded. Let's have a look at it. I'm Rohit Rajgupta from Art and Hacker, and today I'm going to show you how to use GeoSIM card on your Redmi Note 3 handset and how to generate a barcode on your Redmi Note 3 handset. इस वीडियो को मैं अपने हॉस्टल में रिकॉर्ड कर रहा था जब मैं सेकंड ईयर में था अपने डिप्लोमा के. उस वक्त मेरे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था, ना लाइटिंग, ना कैमरा, ना माइक्रोफोन, ना ट्राइपॉड, कुछ भी नहीं. टैबलेट के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था, उसी पे एडिट करके उसको अपलोड कर रहा था, और काफी सही रिस्पॉन्स मिल गया था मुझे. लाइक्स, कॉमेंट्स मस्त आ गए थे, और व्यूज भी. एंड देयर इज वन थिंग, I still have this 4-year-old tablet with me. फिर क्या था, मैंने और वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, बट कुछ टाइम बाद मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी, और वो इनवैलिड क्लिक्स को लेकर के एक स्ट्राइक होता था कुछ टाइम पहले, वो मेरे चैनल पे पड़ा था, और मेरी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दी गई थी. बट आई डिडंट स्टॉप अपलोडिंग वीडियोस बिकॉज आई वाज नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर मनी. यू गाइस वर सपोर्टिंग इट, आप कॉमेंट कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, शेयर कर रहे थे वीडियोस को, और उस चीज को लेकर के मुझे काफी अटेंशन मिल रहा था. तो मुझे लगा यार वीडियोस बनाते रहते हैं, मजा आ रहा है बनाने में. एंड मेकिंग वीडियोस इन हॉस्टल वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर मी, क्योंकि समटाइम्स पीपल used to bang the door from outside when they knew ki ha main record kar raha hu andar mein. Fir kabhi roommates ka intezar karo ki wo kab bahar ja rahe hai tab record kar paoge aap. Fir people used to make fun of me kyunki mera pronunciation utna acha nahi tha. Bahut sari cheeze hoti thi, plus main fan off karke videos banata tha ki paseena aa raha hai, main usko pooch pooch ke videos bana rahe hai. Is tarah ki bahut sari cheeze hui thi mere sath jo like hostel mein hua karti thi. But I didn't care about all of these things, and after making videos for an year mere 3 to 4000 subscribers complete ho gaye the, aur $100 का थ्रेशोल्ड जो होता है वो पार हो गया था. मैं बहुत ज़्यादा खुश था. मुझे बैंक से कॉल आया था कि आपका जो बच्चों वाला अकाउंट है उसको कन्वर्ट करके मेजर अकाउंट में करना पड़ेगा, आपका माइनर अकाउंट है क्योंकि आपका रेमिटेंस आया है. द मैनेजर वांट्स टू मीट मी कि कहाँ से पैसा आया है, क्यों आया है, फिर KYC को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई थी. मैं उस वक्त हॉस्टल में था, मतलब कॉलेज में था, तो मेरा भाई गया था बैंक और उसने जाकर के सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी, फिर मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था. आई बॉट दिस Zoom H1N विद माय फर्स्ट इनकम. ये मेरे पहले इनकम का माइक्रोफोन है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा. फिर मेरा वो पुराना वाला डिप्लोमा कॉलेज एंड हो गया, और उसके बाद फिर मैं एक न्यू प्लेस पर शिफ्ट हो गया था. उस प्लेस पे मैं बिल्कुल नया था, मेरा नया नया कॉलेज था, नया नया कॉलेज लाइफ शुरू हुआ था, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं यूट्यूब भी करूंगा और साथ साथ कॉलेज भी करूंगा. इस डिसीजन के लिए मुझे हॉस्टल कुर्बान करना पड़ गया, मुझे बाहर रूम रेंट करना पड़ गया, सारी चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ता. उसके लिए मुझे याद है कि समर वैकेशन चल रहा था कॉलेज पे, सब बच्चे घर पर छुट्टी मना रहे थे. मैंने अपने भाई को कॉल करा था कि भाई आ जाओ मेरे लिए रूम फाइंड आउट कर दे यार, कहाँ पे रहूँगा. कड़की धूप में मैं भटक रहा था गली टू गली कि मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस मिल जाए जहाँ पे मैं अपना सेटअप वगैरह बना सकूँ, और फाइनली मुझे वो प्लेस मिल गया था. फिर मैंने अपने यूट्यूब की 80% इनकम को एज अ रूम रेंट पे करने का डिसीजन लिया था कि हाँ ठीक है पे करेंगे, जब तक पैसा आ रहा है तब तक यहीं पर रहेंगे, वीडियो बनाएंगे, और फिर होगा जो देखा जाएगा. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पॉइंट तक मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाया करता था, हिंदी मैं इंग्लिश में सिर्फ वीडियोस बनाता था. फिर इस पॉइंट तक मैंने कैमरा भी खरीद लिया था, लेंस में भी अपग्रेड कर लिया था, और ओवरऑल पूरा प्रॉपर सेटअप बन चुका था. मैंने टेबल पे सारी चीज़ों को सजा दी थी, लाइटें वाइटें लगा दी थी, सॉल्ट लैम्प रख दिया था, और मुझे दो बड़े बड़े झटके मिले थे. पहला झटका था मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक मिली थी दोबारा से. एंड आई रिमेम्बर कि उस वक्त मेरा एग्जाम चल रहा था. फिर एग्जाम टाइम मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को यूट्यूब पॉपअप स्पेस से इनविटेशन भी आया था, एंड मैं एक्साइटेड भी था. मुझे एग्जाम का पता था कि एग्जाम खराब जाने वाला है, मुझे भी पता था कि चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है, और तीसरी चीज़ की एक्साइटमेंट थी कि भाई यूट्यूब पॉपअप स्पेस में बुलाया गया है. मैंने फ्लाइट के टिकट करा लिए थे कि मैं जो जाना है भाई, जो इनकम आई है इस महीने की मैं लगा दूंगा फ्लाइट के टिकट में, जाऊंगा मैं वहाँ पे. तब मैं बाहर निकला था एग्जाम देके, मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि यार आज का पेपर थोड़ा टफ टाइप का था, उल्टा सीधा क्वेश्चन आया था, क्या होगा. मुझे पता था कि मेरे बैक आने वाली है, मेरे KT लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा था. एंड उस दिन शाम में मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चला गया, मैं यूट्यूब पावर स्पेस में जाके अटेंड वटेंड करके मस्त मूड फ्रेश हो गया मेरा, मैं वापस आया नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, और जब रिजल्ट आए आई वॉज शॉक्ड लिटरली कि यार मैं पास हो गया उस एग्जाम में, और बाकी जितने फ्रेंड्स थे उनमें से कुछ फ्रेंड्स की KT आ गई, उनकी बैक लग गई. दे आर लाइक अभी तूने पढ़ाई भी नहीं करी थी तू कैसे पास हो गया. सो आई वॉज अ सॉर्ट ऑफ लकी एट दैट टाइम. एंड विद इन वन वीक आई वॉज एबल टू रिजॉल्व द इशू, और वो एक लिटिगेशन फॉल्स था तो वो हट गया था मेरे चैनल से. अब दूसरे झटके की बात करते हैं तो वो है लॉकडाउन. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. मैं बालकनी में शूट कर रहा था कभी पे कभी यहाँ पे, ये मेरी फेवरेट प्लेस हुआ करती थी. अब मैंने काफ़ी रिव्यूज़ करे हैं और काफ़ी ट्यूटोरियल वीडियोज़ बना रखे हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे पास PC नहीं था, क्योंकि मेरा जो PC बिल्ड करा था मैंने, जिसमें मैंने काफ़ी तगड़े रैम
रैम और वगैरह लगा रखे थे, वो मेरा वहीं पे छूट गया था कॉलेज वाले प्लेस पे। तो इस जगह पे मेरे पास एक 7-8 साल पुराना लैपटॉप हुआ करता था जो मेरे भाई का लैपटॉप था, इसमें i7 का फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है। उस लैपटॉप को मैं यूज करता था रेंडर करने के लिए वीडियोस। और मुझे आज भी याद है कि मैं प्रॉक्सीज क्रिएट करके वीडियो को एडिट करता था, और जब रेंडरिंग पे जाते थे वीडियोस तो 3 से 4 घंटे लग जाते थे एक वीडियो को रेंडर होने में, जो 5 से 7 मिनट की वीडियो होती थी, जो काफी ज्यादा अजीब सा सीन था मेरे लिए। और आई वॉज लाइक कि ऐसा मतलब क्यों है। एंड दिस इज द सेकेंड फेवरेट बालकनी प्लेस ऑफ माइन। तो लॉकडाउन के इस टाइप तक मेरे पास कोई टेबल तक नहीं हुआ करता था जिसपे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा सकूँ जो लिटरल में अनबॉक्स करता था। टूटी हुई चेयर यूज करता था जो घर पे पड़ी हुई थी, वुडन सरफेस वाली चेयर थी जो मस्त बैकग्राउंड आ जाता था, मैं उस पर प्रोडक्ट रख के आपको दिखा देता था, आपको पता भी नहीं चलता था, आपको लगता था मस्त सरफेस से बैकग्राउंड है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम शूट करने के बाद आई रियलाइज कि यार बारिश कब हो रही है, कब ज्यादा ठंड पड़ी, कब ज्यादा धूप पड़ रहा है। सो आई थॉट कि एक पर्टिकुलर प्लेस नीचे बनाते हैं अपने घर के अंदर में, वहाँ पे शूट करेंगे। तो लॉकडाउन चल रहा था, थोड़ा सा अनलॉक सा हुआ था, तो मुझे याद है कि मैं एक फ्लेक्स प्रिंट करा के लाया था और उसको मैं एज अ बैकग्राउंड बना के वीडियोज में यूज करता था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरे 50,000+ सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और मैं मस्त वीडियोज वगैरह बना रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। मैं सारी से बिल्ड करी, स्टूडियो पूरा सेटअप करने की कोशिश करी, धीरे धीरे करके एक एक चीज जोड़ जोड़ करके मैंने लगाई है यहाँ पे। सब कुछ जब सेटअप कर लिया, मेरे 70,000+ सब्सक्राइबर हो गए थे, तब फिर मेरे साथ क्या हुआ, मेरे व्यूज ही आगे बंद हो गए भाई। नो व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे। उसके बाद मैं वीडियोज डाल रहा था, उसके ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे थे, लोग इंटरेस्टेड नहीं थे उतना देखने में। बट आई डिडंट स्टॉप अपलोडिंग, क्योंकि मुझे याद था कि आपने बहुत कुछ करा था मेरे लिए। मुझे याद है आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स छोड़े थे, प्लस मुझे टैग करा था डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। फिर मुझे आविष्कार आर्ट नाम का आज भी वो भाई याद है, उसने मेरा पूरा स्केच बना दिया था भाई, और वो फीलिंग अनदर लेवल की थी जब मैंने वो चीज़ देखी थी। तो ये सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप लोगों ने करी, और थ्रू आउट द जर्नी ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमेशा से कंसिस्टेंट रही, दैट इज़ कि आपका सपोर्ट और जो लव है वो हमेशा आपने प्रोवाइड करा है मुझे। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए, रियली। एंड टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग आई स्टार्ट टू शूट आउटसाइड ऑन रोड, नई नई चीज़ें ट्राई करी, और कुछ फन ह्यूमर वगैरह ऐड करने की कोशिश भी करी, एंड ऑनेस्ट रिव्यूज भी प्रोवाइड करे, नई नई चीज़ें भी ऐड अप करी, गैजेट्स वगैरह बाय करे, और ब्रांड्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज को लेकर के। बट आप सबका सपोर्ट ऑलवेज कंसिस्टेंट रहा मेरे को लेकर के। एंड इस चीज़ में मेरी फैमिली ने मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करी है। आप जितने भी तरह के बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, जैसे कैमरा को हैंडल करना, आपने देखा होगा बहुत जगह कैमरा, मतलब मैं ट्राईपॉड पे सेट नहीं करता कैमरा बहुत जगह केसेस में। इन दैट केस मेरा भाई होता है जो मेरे कैमरा को पकड़ लेता है। वो जो सर्वाइवल किट वाला वीडियो याद है जो मैंने बनाया था अमेजोन के गैजेट्स वाला, वो वीडियो मेरे पूरे भाई ने शूट करा था भाई। उसी का आइडिया था, उसने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करी थी, उसने बताया ऐसे ऐसे बना, और वीडियो लिटरल अच्छी बन गई थी। सो यार उनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें, मेरे फैमिली का भी हाथ है, प्लस आप लोगों का हाथ है, और इट इज़ सो अमेजिंग। और फिर इसी तरह से मैं वीडियोज बनाता रहा, एंड वी फाइनली हिट 100K। तो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी, काफ़ी मेरे लिए मस्त से थी, मैंने काफ़ी इंजॉय करा। वैसा कोई स्ट्रगल टाइप का तो था नहीं डेफिनेटली। तो चलो अब यार आपके डेयर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला डेयर हम उठाएंगे जेवियर का, यार डैप कर लेते हैं रोड पे जा करके, डैप ऑन रोड विद 10 स्मार्ट वॉचेस, 5 on this hand and 5 on this hand, लेफ्ट राइट दोनों के साथ। चलो हो गया। तो देखो व्लॉगिंग के लिए तो आ गया, व्लॉगिंग बोल रहा हूँ मतलब कि डेयर कंप्लीट करने के लिए आ गया है। आज तक कभी व्लॉगिंग मैंने करा नहीं है, तो मेरे व्लॉगिंग स्किल्स को जज मत करना, और सेफ्टी के लिए मेरे भैया जी मेरे साथ में फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं यार ये मेरा चीज़ नहीं है, ये मैंने पहली बार ट्राई करा है, लेट्स सी कैसा रहता है। किससे पूछा जाए, बॉडी गार्ड इज हियर। हाय भाई कैसे हो? तो भाई लोग मिल गए हैं यहाँ पे जो सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो गए एक बार में। चलो भैया जी ने सब्सक्राइब कर दिया है, चलो हो गया, थैंक यू सो मच भैया जी, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। चलो इन्होंने भी कर दिया, थैंक यू सो मच, इन्होंने भी कर दिया, थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, ये व्लॉग अपलोड करूँगा मैं, और थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और मज़ा आया। 3 डन हो चुके हैं, अब टोटल 7 और बचे हैं। फ्री हो भैया आप लोग? तनवीर आलम, आपसे मिलकर अच्छा लगा तनवीर जी। तो एक्चुअल अभी ना हमारे चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे को डेयर दिया है कि कंप्लीट करो डेयर,
और डेयर कुछ ऐसा है कि 10 अननोन बंदे के पास जाना है और जाकर के उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब कराना है, आपको खुद से करना है सब्सक्राइब, तो कर दोगे सब्सक्राइब? अरे वाह क्या बात है भाई, एक बार मान गए भाई हमारे, कर दो फिर सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे थैंक यू सो मच भाई, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया आपने, ठीक है आप चेकआउट कीजिएगा। हेलो भैया कैसे हो आप? तो 5 हो चुके हैं और 5 और चाहिए, आप सब्सक्राइब करोगे? कर दो सब्सक्राइब। अरे थैंक यू भैया। हाँ हाँ, तो विकी कुमार मंडल भैया जी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। और भैया आपका क्या नाम है? रवि नाम है मेरा, यूट्यूब चैनल है। आपका भी यूट्यूब चैनल है? अरे शाउट आउट रवि भैया को, क्या नाम है चैनल का बोलिए? आर के रवि डांस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम। तो भैया डांस करते हैं? सब कोई सब्सक्राइब करे ना भैया के चैनल को। साजन, अरे साजन भैया चैनल सब्सक्राइब दोबारा। अरे हो गया सब्सक्राइब, रवि कुमार भैया जी मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बोलिए कुमार नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, का नाम क्या है? मास्टर डीपीएम। डीपीएम इस चैनल को भी सब कोई सब्सक्राइब कर लेना जा करके। हाँ भैया को ऑलरेडी 100 के सब्सक्राइब पूरा हो चुका है, मिल गया उनको सिल्वर प्ले बटन। क्या बात है सब्सक्राइब। अरे हो गया मस्त, यहाँ पे अभी कैमरा वैमरा लाए हैं भैया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। यो क्या बात है मस्त, भैया के विचार भी काफी अच्छे हैं ये। कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू सो मच। तो चलो फाइनली पूरे 10 सब्सक्राइबर्स हमने पूरे कर लिए, 10 से एक्चुअली ज्यादा ही हो गए हैं। थैंक यू सो मच आयुष्मान ये वाला डेयर देने के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। तो आपको हमारी YouTube इनकम जाननी है और स्पॉन्सरशिप से मैंने कितना कमाया है, तो मैं आपको स्ट्रेट बताऊँ ना, तो स्पॉन्सरशिप तो मैंने नेग्लिजिबल करे हैं और उससे मैंने एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट कमाया है, मतलब कमाया ही नहीं, मत मानो आप उसको। बट YouTube से पैसा कमाया है वो आपको दिखा देते हैं कितना कमाया है। तो चलो ये रहा हमारा डैशबोर्ड, यहाँ पे हम चलते हैं रेवेन्यू पे। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट टू लाइफ टाइम। तो ये रही हमारी पूरी टोटल इनकम अभी तक की। वेब लेजेंड्स नो हाउ आई कंप्लीटेड दिस डेयर। किसने पकड़ा था प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में कैसे करा। तो ये वाला डेयर अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आया है, आदित्य भैया जी को नागिन डांस चाहिए, तो लो फिर। अर्श का डेयर था कि रिंकिया के पापा वाला गाना गाना है और डांस करना है रोड पे। गाने नहीं आता है बट बड़ी मुश्किल से एक सुनसान रोड खो जाऊं जहाँ पे लोग मुझे देख के पागल ना समझ ले। अरे शुरू ही नहीं हो रहा है ये तो। वर्डिंग सामा। तो जितने भी डेयर थे सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, तो अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। बाय।